हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे फेनोमिना के बारे में जो कि सदियों से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी नई जगह पर गए हो और अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि शायद आप इस जगह पर पहले भी कभी आ चुके हैं, या किसी से बात करते वक्त अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि शायद आप इस टॉपिक पर पहले भी कभी बात कर चुके हैं लेकिन आपको ये याद भी ना हो कि आखिर ये सब हुआ कब था। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है तो यकीन मानिए ये चीज सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के 60-70% लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये है क्या और ये होता क्यों है, क्या ये नॉर्मल है या इसके होने के पीछे कोई खास वजह है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे और इसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस फिनोमेना को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अब ये फिनोमेना उतना भी नया नहीं है जिसको हम पिछले कुछ सालों से ही नोटिस कर रहे हैं, बल्कि ये इफेक्ट सेंचुरी से ही हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है। इस फिनोमेना के बारे में सबसे पहले बात करने वाले एक जैपनीज मॉन्क थे जिन्होंने 13 सेंचुरी में इसको अपने सबसे अजीब एक्सपीरियंस की लिस्ट में इंक्लूड किया था, और स्टडीज के अकॉर्डिंग इनसे पहले भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। हालांकि तब तक इसे कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन ये चीज दुनिया के सामने खुलकर तब आई जब एमिली बोरिक नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर और साइकिक रिसर्चर ने 1876 में अपने एक बुक में इस फेनोमिना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस फेनोमिना को देजा वू के नाम से इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि जिसको पहले भी देखा जा चुका हो। अब इसी से रिलेटेड और भी कई तरह के फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि देजा वू उन सभी के मीनिंग को कवर कर लेता है। अब बात करते हैं कि ये है क्या और आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक तरह का मेंटल स्टेट है जिसमें एक इंसान को कभी कभी किसी नए काम को करते समय ये फील होता है कि शायद उसने ये काम पहले भी कभी कर रखा है या ये चीज उसके साथ दोबारा से हो रही है, फिर चाहे वो काम वो अपनी लाइफ में पहली बार ही क्यों न कर रहे हो। वैसे तो ये डेली नहीं होता है लेकिन ये फीलिंग आपके साथ कभी भी हो सकती है, फिर चाहे आप किसी से बात कर रहे हो या किसी नई जगह को विजिट कर रहे हो या किसी आवाज को सुन रहे हो, आपको कभी भी ऐसा लग सकता है कि ये चीज आपके साथ दोबारा से हो रही है, जैसे कि किसी पास्ट इवेंट को आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए कई तरह की थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कुछ लोग इसको रीइंकार्नेशन, आफ्टर लाइफ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पैरेलल वर्ल्ड से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ऐसे थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो कि देजा वू को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब पहले नंबर पे जो थ्योरी है वो देजा वू को एक्चुअल इवेंट्स या एक्चुअल मेमोरीज की नजर से देखती है जिसको हम पहले करके अब भूल चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग देजा वू को एक्सपीरियंस करने का मेन रीजन हमारे पास्ट के मेमोरीज और एक्चुअल इवेंट्स ही होते हैं जो कि हमारे अभी की सिचुएशन से काफी मिलते जुलते हैं, और जब हमारा माइंड इन दोनों ही एक्सपीरियंसेस को आपस में मैच करने की कोशिश करता है तब हमें देजा वू इफेक्ट फील होता है। ये थ्योरी हमारे ड्रीम्स को भी देजा वू के साथ जोड़कर देखती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अकॉर्डिंग कई बार हम कुछ ऐसे ड्रीम्स को देखते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास करके हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो ड्रीम याद तो नहीं रहता लेकिन वो हमारे डीपर माइंड में स्टोर रहती है। और जब हम कुछ ऐसे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि उस फॉरगॉटन ड्रीम में मौजूद सिचुएशन से मैच करता है तब हमारा माइंड उन दोनों डिटेल्स को आपस में मैच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें वो न्यू सिचुएशंस भी रिपीटेड लगने लगती है, या यूं कहें ये कनेक्शन देजा वू इफेक्ट को क्रिएट करता है। अब हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो देजा वू को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है जो कि हमारे माइंड के ग्लिचेस पर ही बेस्ड है, यानी कि देजा वू हमारे माइंड में हो रही गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी तरह की बाहरी इन्फॉर्मेशन को अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं तब उन इन्फॉर्मेशन को हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम कई तरह के न्यूरॉन्स करते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड लगभग सेम ही होती है, लेकिन कई बार हमारा अटेंशन डिवाइड होने की वजह से उनके स्पीड में कुछ मिली सेकेंड्स का डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली सेकेंड्स पहले मिल जाती है और कुछ उसके बाद, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे कि ये मूवमेंट फिर से रिपीट हो रहा है। आसान भाषा में बताऊं तो हमारे दोनों आँख एक दूसरे से डिफरेंट स्पीड में इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और सेम यही चीज हमारे दोनों कान, नाक, मुंह और बॉडी में मौजूद हर सेंसर्स के साथ होता है।
इसीलिए ऐसा मुमकिन है कि जब हम किसी न्यू प्लेस को विजिट करते हैं, कुछ नया सुनते हैं, कुछ बोलते हैं या महसूस करते हैं, तो उनमें से एक सेंसर उस सेम इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक कुछ मिलीसेकंड पहले पहुंचा देता है, जिसकी वजह से जब हमें दूसरे सेंसर से सेम इन्फॉर्मेशन कुछ मिलीसेकंड बाद मिलती है, तब हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हमने पहले भी कभी कर रखी है। और इनके प्रोसेसिंग में डिले होने की वजह से हमें डेजा वू जैसा फील होने लगता है। अब ये जानते हैं कि ये डेजा वू इफेक्ट किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और इसका इफेक्ट कितनी देर तक लास्ट रहता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये इफेक्ट सबसे ज्यादा उन लोगों में नोटिस किया गया है जो लोग अक्सर बिजी रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, थके हुए होते हैं, और स्पेशली जो लोग अब्सेंट माइंडेड होते हैं या जो लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, वो लोग डेजा वू को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और ये इफेक्ट 15 से 40 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और ये इफेक्ट एज के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसका इफेक्ट अक्सर 10 से 30 सेकंड तक ही रहता है, बट समटाइम इट कैन बी मच मोर लॉन्गर देन यूजुअल। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरीज को 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता है, मगर जिन दोनों थ्योरीज को हमने जाना है वो अब तक के सबसे लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इसके पीछे कई तरह के मिक्स रीजन भी शामिल हो सकते हैं। वेल, ये सारी चीजें सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्यूरेट लगती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।